बीजेपी वालों को कोई अधिकार नहीं है सेशन का दिन मनाने का, क्योंकि इन्होंने सेशन तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, स्टेट सब्जेक्ट तोड़ दिया महाराजा हरि सिंह जी का, उन शर्तों को तोड़ दिया, उनकी रियासत को बर्बाद कर दिया, और ये अब भी अलग जम्मू, अलग चिनाब वैली यूनियन टेरेटरी, अलग पीर बंजाल यूनियन टेरेटरी की डिमांड कर रहे हैं। जम्मू को और कश्मीर से नहीं अलग होने देगा, नंबर एक, अलग जम्मू या अलग कश्मीर स्टेट नहीं बनने देंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनके जयचंद गद्दार नेताओं ने डोगरा रियासत की बर्बादी के लिए, जहां से रविंद्र रैना हारा है उसके साथ उसका सहयोगी उम्मीदवार जो हारा है, ये गद्दारी की बातें कर रहे हैं। हम लाए हैं तूफान से जम्मू कश्मीर निकाल कर, हम लाए हैं तूफानों से जम्मू कश्मीर निकाल कर, इस जम्मू कश्मीर को रखना मेरे दोस्तों संभाल कर। मैं ये नहीं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी हार हुई है। हमारा एक अलायंस था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और मिशन स्टेटहुड, और हम तमाम शुरू से लेकर के ऑल पार्टीज का एक शुरू से ही गठबंधन बना हुआ। और आज सवाल ये होना चाहिए कि जो वादा मैंने 5 अगस्त 2019 को किया था कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो तोड़ी है उसको वापस लेके आऊंगा, नंबर दो, जो आर्टिकल 370-35 है जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत का इलहाक भारत के साथ किया है वो सब लेकर के आया हूँ। आज ही मैं रात को कश्मीर से ओथ सेरामनी से होकर के आया हूँ, और मेजॉरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। और आप ये क्यों नहीं कहते कि आज 10 सालों के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद लोग खुशहाल हैं। एक ऐसे, मैं ये कहूंगा आपके सवाल के, जो आपने सवाल खड़ा किया ना, मैं ये कहूंगा, हम लाए हैं तूफान से जम्मू कश्मीर निकाल कर, हम लाए हैं तूफानों से जम्मू कश्मीर निकाल कर, इस जम्मू कश्मीर को रखना मेरे दोस्तों संभाल कर। फिर बार बार ये सवाल क्यों करते हो, सब देखते भी हो, जानते भी हो, पहले दिन से हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, ये तो चुनाव करवाने से डर रहे थे, 30 सितंबर से पहले हमने चुनाव करवा दिए, फिर हमारी नीट पिटीशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है रियासत के दर्जे की वापसी की, वो भी आज उसकी भी सुनवाई शुरू होने का ऐलान हो गया। अभी 370 के लिए भी पिटीशन जाएगी, अभी रुकने वाले नहीं है। हाँ सुनिए ये बात है, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैंने पहले भी वादा किया था कि मैं रियासत के दर्जे के तहत ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि इस सरकार के पास उतनी ताकत नहीं होगी। जी हुजूरी, एलजी की करनी पड़ेगी, चीफ सेक्रेटरी की करनी पड़ेगी, और ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर और एमएलएस के पास, वोटर्स के पास, असेंबली के पास इतनी ताकत नहीं होगी। अरे यार, खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ यार, सरकार मिली है 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को उस घुटन से, नौजवानों को उस घुटन से, उस लाठीचार्ज से जो आप ही करते थे, आज किसको पड़ी है? PHEBDD, PWD के डेली वेजर्स को, रहवरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ को, मनरेगा के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, यहीं पे तो आपके सामने में धरने प्रदर्शन, वो लिस्ट है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट है, स्क्रैप्स, घोटाले, यस, ये सारे मसले हल होंगे, ये मेरा वादा है इन बच्चों के साथ। दरबार मूव की जंग लड़ी, स्मार्ट मीटर प्रीपेड की जंग लड़ी, सुनिए ना, दरबार मूव मैंने बात कह दी है कि इसी साल कोशिश की जाए दरबार मूव शुरू किया जाए, इन बच्चों को पक्का किया जाए। अरे यार मुझे बताइए, आप तो बीजेपी के सारे पत्रकार हो, आप ये नहीं सोचते कि जम्मू को कितनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन दे दी, अगर चुन के और विधायक बेचे होते तो आज वो भी कभी ना मंत्री होते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का बना दिया सुरेंद्र चौधरी भाई को, सी शर्मा को तो मैंडेट दिया हुआ था पार्टी ने, अकोमोडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया ना, अलायंस ने किया ना, तो बीजेपी का, अब बीजेपी का भी जिम्मेवारी बनती है, वो अभी भी मजहबी और रीजनल और रिलीजियस सियासत कर रही है, नंबर एक, वो अभी भी देना नहीं चाहती रियासत का दर्जा, लेकिन उनको पता नहीं है डिंपल पीछे खड़ा है एक शेर, वो कहते हैं, मुझे पत्रकार ही कह रहे थे यहाँ पे कि जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे टूथलेस टाइगर, दांतों के बिना टाइगर है। अरे उस इस सरकार के पीछे एक लॉयन जम्मू का डोगरा भी तो खड़ा है जो पहले दिन से जंग लड़ रहा है, नंबर एक। आप आंखें क्यों बंद कर लेते हो जब मैं सड़कों के ऊपर होता हूँ, आप आंखें क्यों बंद कर लेते हो जब मैं धरने प्रदर्शन भूख हड़ताले जेलों में करता हूँ, आप कैसे भूल जाते हैं? आप ही तो पहले दिन से मेरे साथ चल रहे थे, आप जानबूझ के अब बातों को टालने का कोशिश करें, नहीं। अब मैं एक बात और बता दूं, देखिए आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, इनके 29 MLA हैं, इनको कहिए ना कि आपने इन बच्चों से वादा किया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपको पक्का नहीं किया जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज जाए चार्टर्ड प्लेन करें, जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास, कहें कि यहाँ इनको पक्का करो इन बच्चों को, और दूसरा ये कहे कि आपने कहा था फ्री बिजली देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो दीजिए फ्री बिजली,
लगाए सोलर प्लांट 1 करोड़ 30 लाख आवाम के हाथ छड़ी बातें करते हैं। एलजी इनका, होम मिनिस्टर इनका और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इनका, तो जाए ना इनसे पूछिए ना 29 विधायकों को ये सवाल पूछना चाहिए। देखिए हम मिशन स्टेटहुड जम्मू को और कश्मीर से नहीं अलग होने देगा, नंबर एक, अलग जम्मू या अलग कश्मीर स्टेट नहीं बनने देंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनके जयचंद गद्दार नेताओं ने डोगरा रियासत की बर्बादी के लिए, जहां से रविंदर रैना हारा है उसके साथ उसका सहयोगी उम्मीदवार जो हारा है, ये गद्दारी की बातें कर रहे हैं कि चुनाव पीर बंजाल को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, यानी कि आप डोगरा रियासत महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। आगे ही हमसे, हमारा लद्दाख हमसे अलग कर लिया। हम ये चाहते हैं मेरे पत्रकार मित्रों, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा इकट्ठा करना चाहते हैं और ये हम जीत रहे हैं जंग। आपको बहुत बहुत मुबारक, जम्मू कश्मीर के डोगरे लोगों की बड़ी मुबारक कि एक डोगरे बेटे ने इतना बड़ा कदम किया, रियासत भी वापिस आ दिया है। और असेशन दिन के बीजेपी वालों को कोई अधिकार नहीं है असेशन का दिन मनाने का, क्योंकि इन्होंने असेशन तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, स्टेट सब्जेक्ट तोड़ दिया महाराजा हरि सिंह जी का, उन शर्तों को तोड़ दिया, उनकी रियासत को बर्बाद कर दिया। और ये अब भी अलग जम्मू, अलग चिनाब वैली यूनियन टेरिटरी, अलग पीर बंजाल यूनियन टेरिटरी की डिमांडें कर रहे हैं।